हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है और आप अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम को फिनिश करके आए हैं और आपको चाहिए कि आप कितना सही सही बना कर आए हैं, तो चलिए आपके आंसर्स को हम मैच करा देते हैं। और यदि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आपको अब ये एग्ज़ाम देना है तो आप ये वीडियो ये सोच कर देखें कि आपको आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछेगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी ईटन। जो चीज़ खाने के लिए अच्छा होता है, जो फिट माना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एडिबल। तो ए इसका सही जवाब है। सेकंड क्वेश्चन है, राइस एंड करी डॉट डॉट माय फेवरेट डिश। राइस एंड करी जो वर्ड है ये देखने में तो दो लगते हैं लेकिन ये एक इंडियन डिश का वर्णन करते हैं। तो ये देखने में दो हैं लेकिन है ये एक ही, इसीलिए ये सिंगुलर है और इसके साथ यहाँ पर इज़ का प्रयोग होगा। थर्ड क्वेश्चन है, ओपन द डोर प्लीज़, और ओपन जो कि अंडरलाइंड है इसका आपको एंटनीम बताना है, यानी कि उल्टा बताना है। तो ओपन का एंटनीम होता है क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम। नीचे के जो भी आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं इन चारों में, सेज तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि ये पास्ट है, और इंट्रोगेटिव है तो वांटेड होगा नहीं, वांटेड टू नो भी हो जाएगा। ही वांटेड टू नो व्हाट द टाइम वाज एंड ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो सेम मीनिंग दे रहा है। ही वांटेड टू नो व्हाट द टाइम वाज, ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज। तो आपको जाना होगा यहाँ पर इजी मोड में, अगर आप जाइएगा तो ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज, उसने पूछा कि क्या टाइम हो रहा है। ये पास्ट में जाने के लिए इज का वाज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वांटेड टू नो, ये भी आस्क्ड का ही मीनिंग दे रहा है, इस वजह से ये कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन आपके सामने है। लेकिन अगर इजी मोड में जाइएगा, द बेस्ट ऑफ फोर चुनिएगा, तो ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। यहाँ पर चूज होना चाहिए, पहले तो इसने खुद ही गलती कर दिया, सी एच के बाद डबल ओ करना चाहिए था, इसने अपने प्रिंटिंग में ही एक एरर कर दिया है। बाय द वे प्लेंटी की सही स्पेलिंग होती है पी एल ई एन टी वाई, तो सी इसका सही जवाब है। हैव यू रेड रामायणा। रामायणा एक धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस बुक है, और आपने आर्टिकल अगर पढ़ा है तो यहाँ पर द का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इन चारों में करेक्ट आपका चुनाव करना है। तो अगर आपने आर्टिकल पढ़ा हुआ है तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर किसी सब्जेक्ट के पहले अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री हो तो वहाँ पर द का यूज़ करना चाहिए। तो द मोर वी गेट, द मोर वी वॉन्ट, जितना अधिक हम लोगों को मिलता है उतना ही अधिक हम लोग चाहते हैं, ये आर्टिकल का रूल है। I am not interested, interested के बाद in preposition follow होता है, तो सही जवाब हो जाएगा I am not interested in buying a new car। Next question हमारा आ रहा है, और अगला जो question है वो question number 9 है हमारा। A lot of ships cross Pacific Ocean। Pacific Ocean जो आपको दिख रहा है ये एक महासागर का नाम है, और अगर आपने आर्टिकल पढ़ा है तो यहाँ पर द का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। सक्सेसफुल की स्पेलिंग आपको चुननी है, तो स्पेलिंग देखिएगा तो कन्फ्यूज़ हो जाइएगा, तो आप पहले अपने मन में सोच लें एस यू डबल सी ई डबल एस एफ यू एल, सक्सेसफुल। तो सक्सेस एस यू डबल सी ई डबल एस सक्सेस होता है, और इसमें एफ यू एल हमने जोड़ दिया तो सक्सेसफुल हो गया। I shall write a letter, पैसिव वॉइस में ले जाना है, तो ये तय है कि फ्यूचर में है तो shall will का प्रयोग होना ही चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है a letter will be written by me, ये D इसका सही जवाब है। A man who is liked by all is called, जिस आदमी को सभी के द्वारा लाइक किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पॉपुलर कहते हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम पॉपुलर हो जाए, मतलब कि सभी लोग हमको पसंद करें। फिनिश इट डॉट 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 टू डेज, यहाँ पर टू डेज के पहले विद इन लगाएंगे क्योंकि मीनिंग कह रहा है कि दो दिनों के अंदर इसको फिनिश कर लो। श्वेता हर सेल्फ इन्वाइटेड विनीता,
श्वेता एक फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ पर श्वेता के लिए हर सेल्फ का प्रयोग होगा। अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अपने बाद जिरंड मांगता है, इस वजह से हम यहाँ पर सही जवाब देंगे स्मोकिंग। शी नीड्स अ सूट, यहाँ पर क्वेश्चन टैग आपको ऐड करना है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है चूँकि नीड का फिफ्थ फॉर्म यहाँ पर लगा हुआ है, तो सही जवाब होगा डजंट शी। द फ्यूनरल राइट्स आर ओवर, और तीन राइट्स का स्पेलिंग यहाँ पर दिया है, इस राइट का मतलब होता है लिखना, इस राइट का मतलब हो जाएगा अधिकार, इस राइट्स का मतलब हो जाएगा संस्कार, और रूट्स का मतलब होता है जड़। तो फ्यूनरल राइट्स बोलते हैं दाह संस्कार को, तो यहाँ पर हमको लिखना होगा RITES। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डॉट डॉट द रेस्ट ऑफ द बॉयज, द रेस्ट ऑफ का रूल कहता है सिंटेक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग कि इसके बाद प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब के साथ ही इसको लिखा जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग यहाँ पर होगा वेयर आर द रेस्ट ऑफ द बॉयज, शेष लड़के कहाँ हैं। द सिनोनिम ऑफ थिन, थिन का मतलब होता है पतला, इसका सिनोनिम बताना है, यानी इसका पर्यायवाची स्लिम होगा। आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, आई एम लगा है इसका मतलब कि ये प्रेजेंट है, योर बिहेवियर को पहले रखना होगा, तो ये रहा योर बिहेवियर, लेकिन ये आई एम है तो प्रेजेंट होना चाहिए और यहाँ पर सरप्राइज्ड लिख दिया है, इस वजह से ये पास्ट में लेकर चला गया, यहाँ पर सरप्राइजेज होना चाहिए, योर बिहेवियर सरप्राइजेज मी, और तब जाकर ये सही जवाब होगा आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इस वजह से, लेकिन फिर भी अगर एक ही चुनना है तो हमको यही चुनना होगा, ये मिस प्रिंटिंग है, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, यहाँ पर होना चाहिए था योर बिहेवियर सरप्राइजेज मी, आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, इसका पैसिव हो गया। द एंटोनिम ऑफ माइटी, माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, और इसका एंटोनिम यानी कि उल्टा हो जाएगा, वीक मतलब कमज़ोर। 22 नंबर क्वेश्चन है आई एम गुड, गुड हमेशा गुड के बाद एट प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, गुड बैड क्लेवर इन तीनों के साथ एट लगता है। आई एम गुड एट टेनिस, शी इज कॉन्शियस ऑफ हर फॉल्ट्स, वह अपने गलतियों के प्रति, अपने फॉल्ट्स के प्रति, कमियों के प्रति सचेत रहती है, जागरूक रहती है, यहाँ पर इन चारों तीनों का कोई मीनिंग नहीं है, ये तय था कि इसमें कोई एडजेक्टिव चाहिए था, तो अवेयरनेस नाउन है, ऐसे ही गलत हो जाएगा। जुडिशियल और विनियल इन दोनों का मीनिंग इसमें नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल थिंक देयर विल बी पीस सून, पीपल एक प्लूरल नाउन है, मच नहीं हो सकता, लिटिल नहीं हो सकता, एनी का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, तो सही जवाब होगा मेनी पीपल थिंक। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज इन अ गुड हेल्थ, ही इज इन गुड हेल्थ, ही इज वेरी गुड हेल्दी, ही इज गुड हेल्थ एंड गुड। देखिए इसमें पहला इसलिए गलत है कि हेल्थ अनकाउंटेबल नाउन है, ए नहीं लगेगा, यहाँ पर हेल्दी एडजेक्टिव है, तो वेरी गुड हेल्दी नहीं, वेरी हेल्दी हो जाएगा, यहाँ पर गुड गलत है, ही इज हेल्थ एंड गुड ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, सही जवाब होगा ही इज इन गुड हेल्थ, यानी कि उसका वो अच्छे स्वास्थ्य में रहता है, हेल्थ के पहले यहाँ पर जो ए लगाया ही है एरर है, बिकॉज हेल्थ एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 26, आई वेंट टू द मार्केट, आई बॉट सेवरल थिंग्स, मैं मार्केट गया और बहुत सारी चीज़ें खरीदा, तो इसके सी ऑप्शन में दिख रहा है आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया एंड बॉट सेवरल थिंग्स, एंड से दोनों वर्ड्स को कनेक्ट कर दिया, वाक्य का मीनिंग भी निकल गया, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिंथेसिस कंबाइन करने का इसका फॉर्मूला जो है वो एंड की डिमांड कर रहा है कंजंक्शन के रूप में। 27, ट्राई एंड यू विल सक्सीड, ट्राई अगेन एंड अगेन एंड यू विल सक्सीड, बार बार कोशिश करो तुम सफल हो जाओगे। There is a village off the hills, ये आप लोगों के लेवल से थोड़ा सा हार्ड पूछ दिया है, ओ डबल एफ इसमें भरना होगा क्योंकि ओ डबल एफ का मीनिंग ये भी निकलता है किसी इस प्लेस के नज़दीक में, तो पहाड़ियों के नज़दीक में एक गांव है, बाकी किसी का मीनिंग इसमें निकालिएगा तो नहीं निकलेगा।
चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड. इंट्रूग्स गलत है क्या क्योंकि यहाँ पर ई लगेगा, इसका मतलब होता है साजिश करना. वॉबलिंग में डब्ल्यू ओ बी डबल बी एल आई एन जी होगा. मेडल में डबल डी होगा. और एग्जास्परेटिंग इसका करेक्ट स्पेलिंग है. एग्जास्परेटिंग का मतलब होता है एनोइंग, जिसमें आपको खीज भरे, अंदर से परेशानी हो. अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पार्डन. पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना, तो माफ़ करना का करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा फॉरगिव. 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो इन हिज प्रोफेशन. जो आदमी इंग्लिश करेक्टली लिखता है वो अपने प्रोफेशन में आगे जाएगा. जब मैं आपको मॉडल सेट करा रहा था तो फार्दर और फर्दर का एक्सप्लेनेशन आपको दिया था. इसका सही जवाब होगा फर्दर, आगे जाएगा अपने प्रोफेशन में अगर आप इंग्लिश सही सही लिखते हैं. चूज द ऑड वन आउट. इन चारों में ऑड यानी कि विचित्र कौन है. वीमेन, गर्ल, लेडी, ये तीनों फेमिनिन जेंडर है और मैन यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर है. मैन यहाँ पर सही जवाब होगा. आर यू अटेंडिंग अ रिसेप्शन टुडे. रिसेप्शन एक काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए का प्रयोग करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 34. शी इज राइटिंग अ बर्थडे मैसेज राइट नाउ. वह अभी बर्थडे मैसेज लिख रही है, तो बर्थडे के साथ मैसेज होगा, टिकट मैप मेन्यू नहीं होगा. डू यू टी एट 5. डू डज डिड जब लगाओ तो वर्ब अपने बेस फॉर्म में होना चाहिए, मूल रूप में होना चाहिए. और यहाँ पर हैव ही वो वर्ब है जो कि V1 के रूप में है. वॉट इज द टाइम बाई योर वॉच, ये एक्सप्रेशन ऐसे ही आता है. वॉट इज द टाइम बाई योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना बज रहा है. मोर देन 60 बॉयज. मोर देन का रूल है सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कि प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आता है. लेकिन ये जो पास्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग दे रहा है, तो हैव पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू अलोन वर टू ब्लेम फॉर दिस. तुम अकेले ही इसके लिए जिम्मेदार थे. तो इसका नेगेटिव चुनना है, तो नन बट यू वर टू ब्लेम फॉर दिस. तुम्हारे सिवाय किसी और को दोष नहीं दिया जाने वाला था इसके लिए. 39 है द मैन केम इमीडिएटली. चूंकि कम एक वर्ब है और इसके लिए एडवर्ब का प्रयोग होगा, तो इमीडिएट के साथ एलवाई लगाकर एडवर्ब बनाया जाएगा. अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप केयरफुली हर एक एक्सप्लेनेशन को सुनिए, आपके एग्जाम में काम आएगा. चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस. इनकरेक्ट चुनना है. ही रिमाइंडेड मी ऑफ दिस, बिल्कुल सही है. रिमाइंड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है. वॉट इज रॉन्ग विथ हर, यू रॉन्ग विथ होता है. आई आस्क्ड हिम टू कम, मैंने उसको आने के लिए कहा. लेकिन ये जो वाक्य दिख रहा है ही सफर्स एट फीवर, यहाँ पर फ्रॉम होगा, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर ए. द प्यून डॉट डॉट द बेल. प्यून सिंगुलर नाउन है, इसमें रिंगिंग नहीं होगा क्योंकि विदाउट ऑक्सिलियरी वर्ब आप कंटिन्यूअस में नहीं जा सकते. हैड रिंगिंग किसी टेंस में नहीं होता है. विल के बाद रिंग मेस लगाकर V5 नहीं बनाया जा सकता, तो सही जवाब होगा सी द प्यून रिंग्स द बेल. करेक्टली स्पेल्ट वर्ड चुनना है. KNOWLEDGE नॉलेज. वी आर टॉट हिस्ट्री बाई मिस्टर कुमार. तो मिस्टर कुमार को पहले बुला ले और टीच में ES लगाकर और अस और हिस्ट्री को लास्ट में लिखे, तो मिस्टर कुमार टीचेज अस हिस्ट्री. ही विल हैव अराइव्ड बाई 4 PM. वह 4 बजे तक पहुँच चुका होगा. ये फ्यूचर परफेक्ट में ही के साथ विल आएगा. विल हैव प्लस V3. इट वॉज रेनिंग वेन वी वेंट आउट. जब हम लोग बाहर गए तो वर्षा हो रही थी, पहले से वर्षा हो रही थी और बीच में कोई काम हुआ, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस होगा. ही सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ. उसने कहा कि वह इसे स्वयं कर सकता था. अगर इसको इनडायरेक्ट में आना होगा तो क्या हो जाएगा, उसने कहा कि मैं यह स्वयं कर सकता हूँ. तो उसने कहा ही सेड, बाकी सब मैं सेइंग असेज कर दिया, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया. तो सही जवाब है ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ. डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत करो, मैं अभी अपना होमवर्क कर रहा हूँ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू परस्यू अ करियर इन इंजीनियरिंग. परस्यू अ करियर का मतलब ये हो जाएगा कहीं पर अपना करियर लेना बनाना.
इन चारों में से परस्यू के लिए अगर करेक्ट मीनिंग का चुनाव करना होगा तो होगा टेक अ करियर। 60 पीपल मीन्स अ ह्यूज पार्टी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिंटैक्स। जब कोई प्लुरल नाउन सब्जेक्ट बनता है और उसको एक यूनिट बना लिया जाता है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा, यानी कि मीन में वर्ब मेंस लगाने पर सिंगुलर होता है, आप लोग पहले से जानते होंगे। बहुत सारे लोग पीपल देखकर यहाँ पर मीन लगा देंगे जो कि वी1 है तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन है? हम लोगों को अच्छा भोजन चाहिए, नीड टू नहीं लगा सकते क्योंकि ये नाउन है गुड फूड। नीड पहले नहीं लगा सकते, नीडिंग नहीं लगा सकते, वी नीड गुड फूड। यहाँ पर नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरफ किया गया है, आई नीड अ पेन, यू नीड अ पेन, ऐसे करके यूज़ किया गया है। एवरीबडी हैज़ टू पे फॉर हिज मिस्टेक, सबको अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ पर सही जो फ्रेज है वो पे फॉर होगा। वी आर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट और डिपेंड के साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है, ऑन हिज डिसीजन। डॉट डॉट गॉड ब्लेस हर, ये ऑप्टेटिव है और ऑप्टेटिव का रूल कहता है कि मे से वाक्य शुरू होता है, मे गॉड ब्लेस हर। वी मस्ट अप्रोच हिम, तो हिम को ही बना लिया, मस्ट के बाद बी लगा दिया, अप्रोच का V3, तो सही जवाब होगा ही मस्ट बी अप्रोच्ड बाई अस की वाक्य में कोई ज़रूरत नहीं है। ही इज ट्रू डॉट डॉट हीज फ्रेंड्स, ट्रू के बाद प्रीपोजिशन टू आता है, के प्रति सच्चा होना, वफादार होना, वह अपने मित्रों के प्रति वफादार रहता है। स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, कड़ी मेहनत करो तुम पास नहीं होगे, तो इसको कंबाइन करना है। सिंथेसिस के रूल के अनुसार अगर देखें, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, कड़ी मेहनत करो नहीं तो, अदरवाइज का मतलब क्या होता है, नहीं तो तुम पास नहीं होगे, यही सही जवाब है। बाकी सब का मीनिंग निकालिएगा तो ऑटोमेटिकली वो गलत हो जाएगा। 57 क्वेश्चन, अजय सेड टू द गर्ल आई नो यू। आई फर्स्ट पर्सन अजय के अनुसार हो जाएगा ही, तो आपको देखना है कि ही कहाँ पर है। तो अजय टोल्ड द गर्ल दैट, आई के लिए ही हो गया, नो का V2 कर देना होगा पास्ट में न्यू, और यू गर्ल के लिए हर हो गया, यानी कि बी इसका सही जवाब है। डॉट 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 यू हैव अनदर कप ऑफ टी, यू से रिक्वेस्ट करना है, तो फर्स्ट पर्सन से जब सब्जेक्ट होता है और रिक्वेस्ट हो तो मे लगता है, लेकिन सेकेंड पर्सन जब सब्जेक्ट हो तो रिक्वेस्ट के लिए वुड लगता है, और वुड नहीं हो तो विल लगता है। योर परफ्यूम हैज़ अ वंडरफुल सेंट, तुम्हारे परफ्यूम में बड़ा अच्छा सुगंध है। इस सेंट का मतलब भेजना होता है, और ये पर सेंट वाला प्रतिशत वाला सेंट है, और ये सेंट कुछ नहीं है, SCENT सुगंध को कहते हैं। यू विल बी एबल टू, टू के बाद यहाँ पर वर्ब अपने मूल रूप में होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट इसका सही जवाब होगा। कंप्लीट माई, आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। अब टेक्स्चुअल क्वेश्चन आ गया है आप लोगों का। ही हैड द लुक ऑफ बींग अ सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज अ सिंपल माइंडेड मैन, ये लाइन किस बुक चैप्टर से है? तो बेंजी के लिए ये लाइन लिखा जा रहा है, अर्थ चैप्टर से लिया गया है। पर्लेस बक इनमें से कौन से बुक की लेखिका है? तो कम माई बिलव्ड, वर्षों बाद मैंने इंडिया को छोड़ा और मैंने इंडिया को बैकग्राउंड बनाकर यह किताब लिखा, ये पर्लेस बक लिखी हुई है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज में। लोमो के डॉग का नाम आपको बताना है, तो आपको याद होगा कि गेस लोमो के डॉग का नाम है और लीप नतालिया के डॉग का नाम है। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरिज, सेकेंड क्लास में ट्रेवल करके आए थे, थर्ड क्लास का टिकट कटाया था, सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए थे। हु कंपोज्ड, किसकी रचना है लीव्स ऑफ ग्रास? वॉल्ट व्हिटमैन की रचना है जी, लीव्स ऑफ ग्रास, और ड्रम टैप्स भी इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, स्नेक्स वर सीन, कमला दास का जब हम पोएम पढ़ते हैं विद्यार्थी, तो कमला दास का वो जो पोएम है ना माई ग्रैंड मदर्स हाउस, उसमें लिखा गया है कि किताबों में बुक्स देखे गए, जो किताबें ये बचपन में पढ़ने के लिए छोटी थी उन किताबों में अब स्नेक्स घूम रहे थे। एंग्लो सैक्सन्स कौन से लैंग्वेज को यूज़ करते थे? तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हमने पढ़ा था जर्मनिक लैंग्वेज यूज़ करते थे।
न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अक्वायर्ड फ्रीडम। जब ब्रिटिश साम्राज्य की कॉलोनी बन चुके देशों ने अपने अपने फ्रीडम को पा लिया तो नए नए वैरायटी का इंग्लिश आ गया, तो फ्रीडम इसका सही जवाब होगा। व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक, जब कवि ने सांप को देखा तो बहुत ही गर्म दिन था, याद कीजिए सिसिलियन जुलाई वाला, जुलाई का महीना था और बहुत गर्मी पड़ रही थी, स्नेक चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ इसको देख कर ही, ये कौन से कविता से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑर्डेन को पुलिट्जर पुरस्कार कौन से बुक के लिए दिया गया था, तो ऑर्डेन की रचना है द एज ऑफ एंग्जाइटी, बाकी इनमें से कोई इनकी रचना नहीं है। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, ये लाइन किस कविता में है, ये लाइन ओड टू ऑटम कविता में है। सूरज के बारे में इस लाइन में बताया जा रहा है कि सन और समर मिलकर और तमाम पेड़ों पर फलों को लाद देते हैं। द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट, ओल्ड इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट दिखता है, क्यों, क्योंकि उसका जो स्पेलिंग है और वोकैबुलरी है वो एकदम डिफरेंट है, स्पेलिंग एलियन दिखता है। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, अगर आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश को पोएट्री को अगर आपने गौर से पढ़ा होगा, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री, तो उसमें लिखा है कि द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, द हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में लिखा गया था कि इंग्लिश लैंग्वेज पर रेनेसंस का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, रेनेशा इसका सही जवाब होगा। यूरोप में आई एक रिवोल्यूशन को रेनेशा कहते हैं। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इन चारों में से कौन से देश में इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है, चाइना, चाइना ही वो कंट्री है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते थे अपने क्लासरूम में कि इनको इंग्लिश सीखने में ज़्यादा दिक्कत होती है। बर्ट्रांड रसेल एक ब्रिटिश क्या है, ये ब्रिटिश फिलोसोफर है, मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन भी है ये। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है हमारा 78, द नेक्स्ट डे द टीचर गेव द कन्फिस्केटेड गार्ड टू एन ओल्ड पॉर्टर हु वर्कड इन द स्कूल, अगले दिन टीचर ने छीने हुए गार्ड को ले जाकर एक पॉर्टर को दे दिया, ये कौन से बुक से लिया गया है, आर्टिस्ट बुक का ये कहानी, सिब्बी वाला। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर, अ चाइल्ड इज बॉर्न का पहला ही पैराग्राफ का पहला लाइन है ये, मैनी एंड वेरिड, टेक्सचुअल रीडिंग के आधार पर भरना है आपको। 80 नंबर है, फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड, हाउ फ्री इज द प्रेस में ये लाइन लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में ही, कि जब वॉर शुरू होता है तो प्रेस की फ्रीडम को छीन ली जाती है, लेकिन जब पीस आता है, शांति आती है, तो उनको फुल फ्रीडम फिर से दे दिया जाता है। टुडे आज वो कौन सी इंग्लिश है जिसको वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में पहचाना जाता है, तो आज अमेरिकन इंग्लिश भी वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में पहचानी जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर इनमें से किसके लेखक है, गीतांजलि के लेखक हैं। मनोहर मालगांवकर कहाँ के राइटर हैं, ये इंडियन राइटर हैं विद्यार्थी। हु रोट आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन के राइटर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यानी कि जी बी शॉ। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये वाल्टर डिलामेयर का लिखा हुआ है एन एपिटाप का, कि यदि मैं मर जाऊंगा तो फिर उस लेडी को कौन याद करेगा जो अपने सुंदरता के अहंकार में किसी के मोहब्बत को तवज्जो नहीं दी और आज वो इस कब्र के नीचे दफन हो गई है, ये लाइन वहाँ पर बोला जाता है। अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवेयर, ये रूपर्ट ब्रूक लिख रहे हैं कि मेरा शरीर का जो मिट्टी होगा इसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, इंग्लैंड ने इसको शेप किया, इंग्लैंड ने ही इसको अवेयर बनाया। क्वेश्चन नंबर 87 है, ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, अगर राइम से भी मिलाएंगे तो मैकाविटी पकड़ में आ जाएगा कि वो उसने हर ह्यूमन लॉ को तोड़ दिया है, ग्रेविटी के नियम को भी वो तोड़ देता है, उसका नाम है मैकाविटी। टावर ऑफ साइलेंस किससे रिलेटेड है, तो केकियन दारू वाला जो थे फायर हिम जिन्होंने लिखा है वो पारसी थे रिलीजन से, और इनके धर्म में डेड बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में दफनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है,
आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। गांधी जी लिखते हैं कि मैं वेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैंने वेस्ट के लिटरेचर से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो गांधी जी का नाम आते ही इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का कल्चर की याद आपको आ गई होगी। द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। हमारा अतीत मरता नहीं बल्कि हमेशा ज़िंदा रहता है, हमेशा लगा रहता है हमारे साथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में बोलते हैं, भारत इज़ माई होम। द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर। नरेटर की जो माँ थी वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी कि नानू काका मिनिस्टर से मिल ही लेंगे संडे को या वेन एवर ही वॉन्टेड, जब भी वो चाहें। तो यही सही जवाब होगा। जो नरेटर की माँ थी ना मनोहर मलगांवकर की, उनको लगता था कि नानू काका जब चाहे तब मंत्री से मिल लेंगे, और नरेटर बड़ी घबरा रहे थे कि अगर नानू काका आएंगे तो महीनों तक यहीं रुक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिसअपेयर। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि चले हम निराशा के घाटी में स्वयं को डुबाए नहीं बल्कि आशा अपने दिल में बनाए रखें। तो निराशा इसका सही जवाब है। विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो भारत है एंशियंट पीपल का यंग स्टेट है, इंडिया को कहा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की लाइन है। द स्टेट ऑफ मिसिसिपी इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने स्पीच आई हैव अ ड्रीम में बताया है कि मिसिसिपी का जो स्टेट है वह इनजस्टिस और ऑपरेशन के हीट से झुलस रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि यह फ्रीडम और जस्टिस का ओएसिस बन जाएगा। ओएसिस बोलते हैं मरुध्यान को। 95 है। आर केयरफुल नॉट टू एंटागनाइज द प्रेस। इनमें से कौन लोग हैं जो कि प्रेस को कभी नाराज करना नहीं चाहते? तो पॉलिटिशियंस लोग होते हैं, ये नहीं चाहते कि प्रेस हमसे नाराज हो। प्रेस अगर नाराज हो जाएगा तो पॉलिटिशियंस की धज्जियाँ उड़ा देगा। 96 है। ओह हाउ फीबल इज मैंस पार दैट, ये लाइन आपको देखते ही जॉन डोन की याद आएगी। आह कितना कमज़ोर होता है ये इंसान, दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट एड अनदर आवर। ये लाइन लिखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में। क्वेश्चन नंबर 97 है। एंड मस्ट वेट मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द वाटर ट्रफ बिफोर मी। मुझे रुकना होगा, इंतज़ार करना होगा, क्योंकि वो मेरे सामने वाटर ट्रफ पर मौजूद था। ये स्नेक की लाइन है। हु रोट समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता के राइटर का नाम आपको बताना है। समर इन कोलकाता कमला दास का लिखा हुआ है। इनका राइटर इंट्रोडक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है। इन वाल्टर डिलामेयर सॉन्ग, वाल्टर डिलामेयर के जो गीत होते हैं उनमें किस चीज़ का नोट होता है? मेलानकोली का नोट होता है। राइटर्स इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है कि इनके गीत में हमेशा एक मेलानकोली यानी कि दुख की झलक दिखाई देती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। माई टोंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। ये बोलते हैं वॉल्ट व्हिटमैन साहब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कि मेरा जो टोंग है, मेरा जो एटम ब्लड का हर एक एटम है वो इसी सॉइल का बना हुआ है, इसी मिट्टी से बना है, इसी हवा में बना है। वह इंग्लैंड के प्रति अपनी वफादारी को दिखाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। थोड़ा सा सब्जेक्टिव पर नज़र डाल लें। आपका आया हुआ है एक ऐसे लिखने के लिए पैट्रियटिज्म देशभक्ति, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन पर्यावरण प्रदूषण, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन शिक्षा पर महत्व, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जहाँ चाह वह राह, माई एम इन लाइफ, जीवन में मेरा लक्ष्य। सबसे आसान था ये ई नंबर माई एम इन लाइफ, जिस पर आप लिख सकते थे। एक्सप्लेनेशन करने के लिए आया था। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में पहले ही बताया था, किसी भी चैप्टर का लाइन हो अगर उस चैप्टर के विषय में पकड़ लिया अगर आपने, तो एक चैप्टर के सारे लाइंस का एक्सप्लेनेशन लगभग रिलेटेड होता है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स, ये इंडियन सिविलाइजेशन की लाइन है, आराम से एक्सप्लेन हो जाएगा। द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, ये तो बहुत खूबसूरत लाइन है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, भारत इज़ माई होम, एक्सप्लेन हो जाएगा। दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल, हाउ फ्री इज द प्रेस की लाइन है, डोरोथी एल सायर्स का लिखा हुआ है। ये
बिना फ्री प्रेस के फ्री पीपल भी नहीं हो सकते और लोग इस बात को ग्रांटेड ले लेते हैं, ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा। हीज हैंस वर स्टिल टू हिम व्हाट द अर्थ वाज टू हिज पेरेंट्स, उसकी मुर्गियाँ अभी भी उसके लिए वही थी जो उसके जो ज़मीन उसके पापा के लिए था। दी अर्थ का लाइन एक्सप्लेन हो जाना चाहिए। अब पोएट्री का एक्सप्लेनेशन पूछा है। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, वो जो एक दूसरे को अपने दिलों में रखते वो कभी जुदा नहीं होते, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लाइन है। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 37 वर्ष का हो गया हूँ, फिर भी परफेक्ट हेल्थ मेरा यहाँ से बिगिन होता है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अपने आखिरी सांस तक मैं इसी हेल्थ में रहूँगा, ये वॉल्ट विटमैन साहब लिखते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेंस लवली हेड, जब मनुष्य अपने आखिरी यात्रा पर निकलता है तो WH ऑडियंस साहब नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के अंतिम स्टैंजा का शुरुआती दो लाइन ये लिखते हैं, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेंस लवली हेड। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, वॉल्टर डिलामेयर की लाइन है, एनएपीटैप की, ईजिली एक्सप्लेन हो जाएगा। अगला जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर कज़न, कज़न के पास लेटर लिखे और उसको बताएं कि COVID-19 के इस फेज़ में आप अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करें। कोरोना काल में हमने लेटर भी लिखवाया था कि अपने कज़न को लिखिए कि वो अपना ध्यान रखे, यहाँ पर फैमिली को ध्यान रखवाना है, ईजिली ये लिखा जाना चाहिए था। राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी, हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखना है और उनसे ये कहना है कि इस COVID-19 हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करें। आप याद करें कि गेस पेपर में मेरा सेम यही एप्लीकेशन भी लिखा हुआ है, ये दोनों गेस पेपर का ही है। व्हाई डिड सिब्बी वांडर अबाउट द टाउन, सिब्बी टाउन में क्यों घुमा करता था, तो सिंपल सी बात है, गार्ड्स खरीदने के लिए। व्हाट इज़ द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में पॉवर्टी का इमीडिएट इम्पैक्ट क्या पड़ा है, तो यही पड़ा है कि जितनी भी ये मेडिकल फील्ड की फैसिलिटीज़ है वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है। व्हाई डू बुक्स रेयरली क्रिटिसाइज द प्रेस, किताबें क्यों प्रेस की आलोचना नहीं करती, क्योंकि किताबों को भी डर होता है कि प्रेस की आलोचना करेंगे तो वे हमारे बुक्स को वो पब्लिश नहीं करेंगे, एडवर्टाइज नहीं करेंगे। हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, प्रेमिका कैसे अपने स्पीकर की लाइफ को वेस्ट करती है, जॉन डोन को रोकने की कोशिश करती है, जॉन डोन जब जाते हैं उसको छोड़कर तो वहाँ पर उसको उनको रोकती है, इसका मतलब उनकी लाइफ को वेस्ट करती है। हु आर द विस्परिंग नेबर्स, तो WHO ऑर्डर में लिखा था विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, विस्परिंग नेबर्स यहाँ पर द एजेंट्स ऑफ डेथ यमदूत के लिए आया था, यमदूत यहाँ पर सही जवाब होगा, द एजेंट्स ऑफ डेथ। हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग, ऑटम और समर कैसे स्प्रिंग से रिलेटेड है, तो ऑटम और समर दोनों आकर ही पकाने में मदद करते हैं फ्रूट्स को, ये ओड टू ऑटम जब हम पढ़ रहे थे तो इसको भी एक्सप्लेन किया गया था। राइट अ नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, 1500 ईस्वी में मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत हुई थी तो बिगनिंग पर एक छोटा सा नोट लिखना था। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द 18th सेंचुरी ग्रामेरियन शेयर विद द एज, 18वीं शताब्दी के ग्रामेरियंस ने उस युग में क्या शेयर किया, तो इन लोगों ने ग्रामर के किताब की ज़रूरत को पूरा किया था और उस समय कुछ ग्रामर की 5 किताबें लिखी गई थी जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़ा है। व्हाट वर द 2 मेजर कंसर्न्स ऑफ अमेरिकन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जब हम अमेरिकन इंग्लिश पढ़ रहे थे तो वहाँ पर अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो वो लोग अपने अमेरिका को एक अलग आइडेंटिटी दिलाने के लिए और देशभक्ति पर आधारित, ये 2 कंसर्न था उनका, टॉपिक था पोएम लिखने का। व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अ ट्रेजेडी, ये तो मैंने आपको गेस पेपर में ही दे दिया था कि ट्रेजेडी का ड्रामेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और मॉडल सेट जब मैंने पढ़ाया था तो भी मैंने आप लोगों को सिखाया था। अगला समरी आया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये पहला ही हमारे ऐसे में लिखा हुआ हमारे समरी में गेस था, अगर आप इसको किए होंगे तो राइट द समरी, तो इंडियन एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये गेस में फर्स्ट गेस में यही लिखा हुआ था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश, तो ये हमारे गेस में ही लिखा हुआ था, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश,
देखिए सारे गेस वाले ये तीनों आ गए हैं, अगर आपको लिखना होता तो ये तीनों भी आप इजीली कर सकते थे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर दिया है कि इन छः में से किन्हीं तीन के उत्तर दे, तो मैं जानता हूँ कि ये आप लोग छोड़ दिए होंगे। तो आपने क्या किया होगा, आपने किया होगा वाल्टर डी ला मेयर को मैच करा दिया होगा आपने किससे, एन एपिटेप से। डब्ल्यू एच ऑडेन को आपने मैच करा दिया होगा किससे, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। के की एन दारू वाला फायरहाइम से करा दिए होंगे। टी एस इलियट मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से करा दिए होंगे। और डी एच लॉरेंस का आप लोगों ने स्नेक से करा दिया होगा। ये बहुत आसान है, ये आप लोग इजिली कर लिए होंगे, मैं जानता हूँ ये बुक का है। वह बहुत तेज़ दौड़ती है, शी रन्स वेरी फास्ट। मुझे तुरंत घर पहुँचना है, आई हैव टू रीच माई होम इमीडिएटली। पटना का चेहरा बदल रहा है, द फेस ऑफ पटना इज चेंजिंग। भारत के राष्ट्रपति कौन है, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्या तुम कल दिल्ली जा रहे हो, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो। मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव माई मदर अलॉट। धूप में मत जाओ, डोंट गो इन द सन। इनमें से कई लोग दो शाम भोजन नहीं कर पाते हैं, सेवरल ऑफ दीज पीपल कैन नॉट रिसीव देयर डेली मील। ये ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन पांच का ही करना था तो हार्ड हार्ड आप छोड़कर पांच आसानी से कर सकते थे। ये मैच कराना भी एकदम आसान है। शिग्गा नवैया किसके राइटर हैं, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये दी आर्टिस्ट के राइटर है। डोरोथी लेसायर्स ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है हाउ फ्री इज द प्रेस। एंटन चेको ने अ मैरिज प्रपोजल लिखा है। जर्मन ग्रियर ने अ चाइल्ड इज बॉर्न लिखा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माई होम लिखा है। ये बहुत आसान है। पैसेज को पढ़कर आंसर देना है। आई होप कि ये चारों जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, मुझे तो चारों के आंसर एकदम दिख रहे हैं। फ्रेंडशिप और डिप्रेशन से वाक्य भी बनाना था आपको। फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती और डिप्रेशन का मतलब होता है निराशा। डोंट फॉल इन डिप्रेशन, आवर फ्रेंडशिप इज स्ट्रॉन्ग, दोनों का वाक्य भी बन गया। और इन तीनों का आंसर हमको एकदम इस पैसेज में दिख रहा है। जो बच्चा इस पैसेज को पढ़ रहा होगा ना, बस उसको आंसर दिख जा रहा होगा। और जब आप ये बना लिए तो प्रेसिस तो आपने नहीं ही किया होगा। आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया होगा और हम आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप तैयारी कीजिए और साइंस के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दीजिए। सो थैंक यू सो मच, आप लोग को शुभकामनाएं, आप लोगों का मार्क्स अच्छा आए।